दोस्तों सोशल मीडिया का पावर क्या है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कैसे सोशल मीडिया ने रातों रात इन 10 लोगों की किस्मत बदल के रख दी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हो सकता हो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी कुछ आए कि यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कुछ किया जाए, शायद आपकी किस्मत भी इन लोगों की तरह बदल जाए रातों रात। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता है। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। हेलो भाई लोग, फैक्ट वाइज हियर। ठंडी के इस मौसम में भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, पूछती हसीना को तो आपने इंस्टाग्राम रील पे जरूर देखा होगा। और शायद इसका यूजर्स नेम बताओ करके कमेंट भी डाली होगी। तो बस आज फैक्ट भाई आपके सारे सवालों का जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियों का क्रेज इंडिया में कुछ कम नहीं है। हम भले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कितनी भी नफरत क्यों ना करें, मैच देखने आए पाकिस्तानी लड़कियों की खूबसूरती देख के तो हम पिघल ही जाते हैं। पर ऐसे ही इस मोहतरमा की इंडियंस ने तारीफ क्या कर दी, ये तो इंडियंस को ही बुरा भला बोलने लगी। ऐसा उसने क्या बोला जिसे सुन के आपको भी गुस्सा आएगा, और हमें वो क्यों अच्छी लगी, ऐसे सवाल आप खुद से करोगे। जैसे विपिन कुमार ने पैराग्लाइडिंग करते वक्त खुद से ही कहा था, जो इसमें आया। पर उसी हरकत ने विपिन की जिंदगी ऐसे बदल दी कि सीधा आलिया भट्ट के साथ पैराग्लाइडिंग करने का मौका भाई को मिला। अब ऐसे और कौन से रातों रात फेमस हुए सितारे हैं, चलिए देखते हैं। नंबर वन आयशा। अपनी कातिलाना अदाकारी और खूबसूरती की वजह से ये पाकिस्तानी लड़की बनी है इंटरनेट सेंसेशन, और हर कोई बस इतना ही जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है ये मोहतरमा। तो फिगर नॉट, फैक्ट भाई अपने भाइयों और बहनों के लिए इस लड़की की कुंडली निकाल के लेकर आया है। ये है लाहौर की रहने वाली आयशा, जिसकी एक डांस क्लिप इंटरनेट पे आग के जैसे वायरल हुई, और नतीजतन मैडम पे फॉलोअर्स की बरसात। पर जहां एक ओर इंडियंस उसकी खूबसूरती के आगे दिल हार बैठे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी नेटिजंस से उसे खूब हेट मिला। बेचारी को अपनी शादी में नाच रही है कहकर कैसे ट्रोल किया गया। पर मजे की बात तो यह है कि फेमस होने के बाद उसे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो में बुलाया गया था, जहां ये बात सामने आई कि वो अपनी सहेली की शादी में नाच रही थी, ना कि अपनी। लोग भी ना बिना सोचे समझे किसी पे भी कीचड़ उछाल देते हैं। नंबर टू यासीन सेंगेज। मेरा पेट मेरा पेट मेरा पेट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये कंप्लेंट लेके आजकल हर कोई दुखी रहता है। लेकिन किंतु परंतु दुनिया में हर चीज को इनकैश करने वाले लोग होते ही हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ जब टर्किश शेफ सीजेडन बुरा के साथ यासीन सेंगेज नाम के पेटू ने वीडियो बनाया और अपनी बाहर निकली तूंद को हिलाकर ये महाशय रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। इसके बेली डांस का क्या ही कहना, बड़ी बड़ी बेली डांसर्स भी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। पर पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाला यासीन अब टिकटोकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। अब इनके इन्फ्लुएंस से कितने लोगों की तोंद निकलती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नंबर थ्री डब्बू अंकल। अगर कभी आपके प्रोफेसर किसी दिन आपके सामने ऐसे नाचने लगे तो जी हाँ, सही पहचाना, ये वही है शादी में नाचने वाले डब्बू अंकल, जिनकी इस वीडियो ने उन्हें हर घर घर में पहुँचा दिया था। पर क्या आप जानते हो कि ये एक प्रोफेसर है, सही सुना, 45 साल के संजीव श्रीवास्तव भोपाल के बाबा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। लगाना सुन के आपको भी झटका, पर उन्हें नाचने का कुछ ऐसा शौक है कि उनके डांस देख के बड़े बड़े डांसर्स हक्का बक्का रह गए। यहाँ तक कि खुद गोविंदा ने भी उनके डांस की तारीफ की और कहा कि डब्बू जी पूरे इंडिया को भूल के खुद की खुशी के लिए नाच रहे थे, जो कि उनकी डांस में झलक रहा था। नंबर फोर प्रिया प्रकाश। ये देख के कुछ याद आया, जिसके स्टाइल की कॉपी करने से राहुल गांधी भी खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी आंखियों से गोली मारने वाली प्रिया प्रकाश का वीडियो शायद ही कोई होगा जिसने देखा ना हो। हालांकि जब उसे ये बात पता चली कि राहुल गांधी ने उसके स्टाइल की कॉपी की तो वो खुशी के मारे पागल हो गई, और ये बात खुद उसने एक इंटरव्यू में भी कही। इस मस्त मस्त नैनो वाली मलयालम एक्ट्रेस ने सबके मन का प्याला छेड़ के मधुशाला तो छलकाई, पर जब उससे इस सीन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस सीन था जिसे बिल्कुल भी प्लान नहीं किया गया था। पर इस ऑफिशियल माणिक्य मलराया पूर्वी क्लिप को आज तक यूट्यूब पर 106 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और प्रिया जिनके फैंस कभी हजारों में थे आज वो 7.3 मिलियन हो चुके हैं। नंबर फाइव विपिन कुमार। 2019 में ये वीडियो देख के आप भी हंसी के मारे लोटपोट जरूर हुए होंगे, है ना। ये इतना फनी था कि इसके मीम से सारा सोशल मीडिया भर गया था, और इसकी वजह से इस वीडियो में दिख रहा इंसान विपिन कुमार ओवरनाइट फेमस हो गया। और तो और इस हादसे ने विपिन कुमार के नसीब का ताला ऐसा खोल दिया कि भाई साहब को सीधे आलिया भट्ट के साथ चॉकलेट की एडवर्टाइजिंग में काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, रोडीज जैसे शो पर भी इनकी एंट्री हुई। मतलब सच में
आज के सोशल मीडिया के जमाने में क्या फेमस हो जाए कुछ बता नहीं सकते। नंबर 6, उमर बरकान अलगाला। हमने लोगों की खूबसूरती से उनका फायदा होते हुए सुना है, पर क्या आपने ये सुना है कि ज्यादा सुंदर होने की वजह से किसी का देश निकाला हो गया? पर ऐसा सच में सऊदी में हुआ है। एक मॉडल को उसके सेक्सी लुक की वजह से गिरफ्तार करके देश से बाहर निकाल दिया गया, और ये मॉडल और कोई नहीं उमर बरकान अलगाला है। मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाकर उमर एक्टिंग, मॉडलिंग और फोटोग्राफी करते हैं। दुबई और सऊदी की लड़कियां इन पे मरती हैं। एक लड़की ने इसे 1.3 करोड़ तक की गाड़ी गिफ्ट कर दी, वो भी अपनी पहचान छुपा के। कमाल है ना। नंबर 7, सोमवती महावर। मुंबई पुलिस तक ने जिस वायरल मीम का इस्तेमाल करके लोगों को हेलमेट का इम्पोर्टेंस बताया और जन जागृति की, ऐसे इस महावर आंटी का हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो ये डायलॉग तो सबने सुनाई होगा, है ना। 2018 में पूरे इंटरनेट पे धूम मचा रही ये आंटी एक वीडियो से ऐसे फेमस हो गई कि बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, शॉपक्लूज, फूड पांडा जैसे कई ब्रांड्स ने उनके मार्केटिंग कैंपेन में इस लाइन का उपयोग किया। और बड़े ताज्जुब की बात ये थी कि आखिर इस वीडियो में ऐसा था क्या जो ये इतना फेमस हुआ। यहां तक कि फॉरेनर्स ने भी इसका रिक्रिएशन किया। इस वीडियो के बाद आंटी ने और भी वीडियोस बनाई, जैसे कलिंगड़ खा लो, खाना खा लो, पर खैर उन्हें कभी वो चाय वाली अहमियत नहीं मिली। नंबर 8, डैनियल बेरगोली। ये कहानी है अपनी दादी के गले पर चाकू रखने वाले, नशे में धुत गाड़ियों की चोरी करने वाले डैनियल बेरगोली की, जो एक दिन एक अमेरिकन शो डॉक्टर फिल में चली जाती है और उसकी तकदीर ऐसे बदलती है कि वो देखते देखते फेमस प्लस अमीर बन जाती है। पर ऐसे कैसे? बोलिए देखो, 2017 में इस मीम ने इंटरनेट पर हल्ला मचाया था। Catch me outside, how about that? Catch you outside? What does that mean? लोगों को ये स्टेटमेंट इतना फनी लगा था कि मीम्स तक बनने लगे। पर डैनियल के शो पर जाने का मकसद कुछ अलग ही था। बेसिकली इस शो में मेंटली अनस्टेबल लोगों की मदद की जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, डैनियल का घर वालों के प्रति बिहेवियर बहुत टॉक्सिक था, पर जब वो फेमस हुई तो उसे कई सारे इंटरव्यूज, म्यूजिक वीडियोज, टीवी शोज, यूट्यूब शोज में बुलाया गया। और ये सब करते करते 2 साल बीते और डैनियल को ये महसूस हुआ कि उसका म्यूजिक में ही पैशन है, और उसने अपने म्यूजिक वीडियोज लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इससे उसकी जिंदगी बदली तो, लेकिन शायद हर की हैप्पी एंडिंग इतनी आसान नहीं होती। तभी तो फेमस होने के बाद डैनियल ने किम कर्दशियन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया। नंबर 9, अरशद खान। ये फोटो देखकर हर बंदी के दिमाग में ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू जरूर बजेगा। पर क्या आपको पता है कि ये चाय वाला इंटरनेशनल मॉडल कैसे बना? तो सुनो, एक दिन फोटोग्राफर GRE की नजर चाय की टपरी पे चाय बनाने वाले अरशद पे पड़ी, और उसकी जौहरी जैसी नजर ने अरशद के हीरे जैसे मुखड़े को परख लिया और उसकी फोटो खींच के इंटरनेट पे डाली। आप सोशल मीडिया की पावर तो आप जानते ही हो। रातों रात अरशद की खूबसूरती कुछ इस कदर वायरल हुई कि उसे बड़े बड़े मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर्स आने लगे। यहाँ तक कि उसने इंटरनेशनल मॉडलिंग भी की है। कुछ म्यूजिक वीडियोस, फैशन शोज और टीवी सीरीज करने के बाद अरशद बैक टू बिजनेस, यानी कि उसने खुद की चाय की शॉप खोल ली और उसे नाम दिया कैफा चाय वाला रूफटॉप। नंबर 10, PSY। दिसंबर 2012 में पहली बार इस वीडियो ने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज कमाने का रिकॉर्ड किया था। और अगर कोई वीडियो इतने लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में नाचने वाला कलाकार फेमस तो होगा। और 2012 में धूम मचाने वाले गैंगनम स्टाइल के डांसर पार्क जे सैंग उर्फ PSY ने फेमस होने के बाद खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी तक खोल दी। PSY के पिता एक सेमीकंडक्टर कंपनी के ओनर थे और उन्हें लगा था कि उनका बेटा भी उनके जैसे उनकी कंपनी संभाल लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। USA में पढ़ने वाले PSY को तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से प्यार हो गया और प्यार सवल भी हुआ। नंबर 11, नताशा। 2022 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की जितनी चर्चा और पाकिस्तान मैच जीतने का जितना दर्द इंडियंस को नहीं हुआ, उससे ज्यादा खुशी इस पाकिस्तानी ब्यूटी को देख के हुई जिस अदा से वो फ्लाइंग किसेस दे रही थी। कितनी औसम है यार। पर बाहर आने के बाद उसने रिपोर्टर्स को जो बाइट दी, उसमें वो ये बोली कि वो चाहती है कि इंडिया भी फाइनल में आ जाए ताकि वो इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में चकनाचूर कर सके। और इतना काफी नहीं था, ये तो इंडिया को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज तक पहुंच गई। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाली पोस्ट ये दीदी बोली कि सारे पाकिस्तानी माई ओन पीपल मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, पर इंडियंस मुझे अश्लील नजरों से देख के मेरे बारे में बोल रहे थे। नहीं मतलब मैच के बीच में लड़कों की नजर दीदी पे थी या नहीं भगवान जाने, पर दीदी की नजर तो इंडियन लड़कों पर ही थी। अब जैसे इस वीडियो का टाइटल है, वैसे मैंने तो आपका काम पूरा कर दिया। मुझे 10 लोग बताने थे, मैंने 11 बता दिए। पर और एक ऐसी हस्ती है जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन उनके ओवरनाइट फेमस होने की कहानी शायद आपको पता ना हो। तो जस्टिन बीवर एक दिन म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनकी माँ ने उसके म्यूजिक प्रैक्टिस की चुपके से वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी, जिसमें वो क्राई मी रिवर गाना गा रहा था। और बस एक तरफ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई, दूसरी तरफ जस्टिन को साइन किया गया और आज ये इतने बड़े
मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आप और ऐसे किसी को जानते हो जो ओवरनाइट फेमस हुए हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना देरी के मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग ने पूरी देख ली होगी और वीडियो देखने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जिन लोगों को दुनिया में कोई नहीं जानता था, उनके घर वाले, उनके परिचितों के अलावा, उनको पूरी दुनिया जानने लगी रातों रात। तो ये है सोशल मीडिया का पावर। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप एक बार भी वायरल हो गए तो आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आप शोहरत किस मकाम पर पहुंच जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।